वेलकम बैक क्लास। अब हम चलते हैं हमारी अगली रिक्वेस्ट की तरफ, दैट इज Q5 एंड Q5 ऑफ प्रैक्टिस सेट 7.1। Q5 के अंदर बेटा हमें कहा गया है y varies directly as square root of x। इसे आप बहुत ध्यान से समझना, क्या लिखा है उन्होंने, y varies directly as square root of x। ठीक, ये आपको उन्होंने लिख के दिया है। Then they say when x is equals to 16 and y is equals to 24, comma, find the constant of variation and equation of variation। अब बेटा ध्यान देना, सबसे पहली बात जो फर्स्ट लाइन है ना, जो फर्स्ट लाइन है ना बेटा, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। उस लाइन में क्या लिखा है, y varies directly, यानी यहां पर डायरेक्ट वेरिएशन है, लेकिन as square root of x, x के साथ क्या लगाना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट। तो अब आप सबसे पहले यहां पर लिखोगे गिवन, और गिवन होगा y, y varies directly, तो varies directly as square root of x, तो ये हो गया square root of x, इतना ही उन्होंने लिख के दिया है। सेकेंड, when x is equals to 16, तो आप लिखोगे the value of x is equals to 16, the value of y is equals to 24। और फिर आपको फाइंड करने को बोला है, तो क्या फाइंड करना है बेटा, फाइंड फर्स्ट द कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन, जिसको आप कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बोलते हो ना बेटा, वो ही है आपका कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएशन। यू कैन यूज प्रोपोर्शनैलिटी और वेरिएशन एनी वन वर्ड, that will not change anything nor it will get any negative markings in your exams or tests, but aapko pata hona chahiye ki find the constant, constant bolte hi k dimag mein aa jana chahiye, you will not replace that k with any other alphabet, that will remain the same, so aap yahan par likhoge first the constant of variation, that is question mark, and second equation of variation, equation of variation is equals to question mark solution।
अब बेटा इसके ठीक प्रीवियस वाले सम में मैंने आपको सिखाया था कि डायरेक्ट वेरिएशन के अंदर हम लोग डिवाइड करते हैं और डिवाइड का एक मीनिंग होता है अपॉन, दैट इज अपॉन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर या फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखना। तो अब आप ध्यान से देखो, इट इज रिटन y वैरीज डायरेक्टली, पहले कौन सा अल्फाबेट है y, तो आप सॉरी यहां पर इक्वेशन आएगा मेरे पास सॉल्यूशन, इक्वेशन सबसे पहले आया है y, तो आप लिखोगे y अपॉन varies directly as square root of x, तो आप लिखोगे square root of x और इन दो को डिवाइड करकर हमें मिलेगा k, and what is k? Constant of proportionality or the constant of variation, आप जो चाहो वो लिख सकते हो बेटा, constant of वेरिएशन, क्लियर। और अब सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। सबसे पहले आप ये इक्वेशन कॉपी कर लोगे, सो लेट अस कॉपी द इक्वेशन, दैट इज y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x, एंड व्हेन यू विल डिवाइड दीज टू वैल्यूज आपको मिलेगा आंसर k, करेक्ट? यस, ये है आपका पहला पार्ट। अब नंबर टू, यू नो द वैल्यू ऑफ x एंड वी आल्सो नो द वैल्यू ऑफ y, सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, दिस विल बिकम y, दैट इज 24 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज इक्वल्स टू k, करेक्ट। अब यहां पर ना बेटा सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट निकालना है, बाद में हम उसे आगे ले जाएंगे। सो नाउ एवरीवन नोस व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16, 4 4 इज 16, यानी कि 16 कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो आंसर है 4, हेंस यू विल राइट हियर 24 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 16, इसका मतलब 16 किस नंबर का स्क्वायर है, तो आंसर इज 4, 4 4 16, सो स्क्वायर रूट ऑफ 16 विल बिकम 4 व्हिच इज इक्वल्स टू k, 4 1 4 6 दैट इज k इज इक्वल्स टू 6, सो पहला फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन हमारा आ गया है। अब दूसरा बेटा है हमारा इक्वेशन, तो वो कैसे लिखा जाता है वो मैं आपको सिखा देता हूं। नाउ बेटा यू विल राइट इक्वेशन, दैट इज y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू k, कि उन्होंने क्या पूछा है, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, तो यही है ना हमारा इक्वेशन, आप चेक कर लो यस और नो। अब बेटा इसके अंदर अगर और आगे सम दिया होता ना, तो y की वैल्यू बदलती रहेगी, x की वैल्यू बदलती रहेगी, सिर्फ एक चीज है जो कभी नहीं बदलेगी, एंड दैट इज द वैल्यू फॉर k, बिकॉज के है हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, इसका मतलब आप कुछ भी करो आंसर 6 आना चाहिए, यू कैन टेक एनी वैल्यू फॉर y, एनी वैल्यू फॉर x, उसका स्क्वायर रूट निकालो, बट मुझे तो आंसर 6 चाहिए बस, आई डोंट नो आप कैसे करोगे क्या करोगे, आई एम लीस्ट बॉदर्ड लीस्ट इंटरेस्टेड, मुझे आंसर 6 चाहिए। इट मींस y की वैल्यू बदलती रहेगी, x की वैल्यू बदलती रहेगी, सिर्फ एक वैल्यू है जो अपनी जगह पर टिक कर रहेगी, एंड दैट इज k,
बिकॉज के इज कॉन्स्टेंट जो कभी नहीं बदलेगा. सो यू विल बी राइटिंग y अपॉन स्क्वेयर रूट ऑफ x इज इक्वल्स टू k. k की जगह पे यू विल राइट 6. करेक्ट. और फिर बेटा इक्वल टू साइन बीच में है सो क्रॉस मल्टीप्लाई एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट इन क्रॉस मैनर तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वेयर रूट ऑफ x. देयरफॉर y is equal to 6 square root x. और ये है आपका दूसरा आंसर. I repeat, k का मतलब क्या है? Constant. इसका मतलब अब ये value अपनी जगह से नहीं हिलने वाली, change नहीं होगी, इसे कोई हटा नहीं सकता. So आप जो चीज constant है हम उसे लिख देंगे. फिर इक्वल टू के लेफ्ट में और राइट में क्रॉस मल्टीप्लाई करके सो y मल्टीप्लाई बाय नथिंग. सो y इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ x. और ये बन गया आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन. हेंस बेटा पहले हमने y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x को सॉल्व किया. 16 का स्क्वायर रूट 4 तो k की वैल्यू आई 16. That is the constant of variation is 6 and then equation of variation is y is equals to 6 under the root x. Clear? तो इस तरीके से बेटा 7.1 में जो request आई थी वो पूरी हो गई. अब इसके आगे 7.2 की request को हम देखेंगे.